कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था और कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी जो है सूट आउटलुक ऑफिशियल, उस पर मुझे कमेंट बहुत से ज़्यादा आ रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, प्रोटीन के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, वर्कआउट के बारे में। तो गाइस उसके लिए सॉरी, कुछ टाइम से मैं बिजी हो गया था। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आया हूँ आप लोग के बीच में वापस। जो हमारा चैनल है सूट आउटलुक, आप लोग को पता ही है, आप लोग ने प्यार दिया है मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हो गाइस, उसके लिए थैंक यू। और गाइस इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, चैनल को मेरे शेयर कर रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ गाइस, यहाँ मुझे एक टॉपिक आया था इंस्टाग्राम पे, खास करके 10-12 लोग ने पहले कमेंट किया था, तो इसके बाद मैंने ध्यान नहीं दे पा पाया था, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आने लगा था तो मैं वहाँ पे पढ़ने लगा तो मुझे पता चला गाइस वो कमेंट कैसा आया था कि सर प्रोटीन तो डाल रहे हैं हम लोग ऑन कंपनी का, कोई जैसा भी डाल सकता है कंपनी का वो डाल रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है प्रोटीन से और उसके चेस्ट का जो फाइबर है वो नहीं आ रहा है गाइस। तो मुझे बोल रहा था कि सर क्या मैं वर्कआउट गलत कर रहा हूँ या प्रोटीन लेते समय गलत कर रहा हूँ, या पानी से लेना चाहिए या दूध से लेना चाहिए। तो मैंने वही मैं वीडियो आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर एक एक को कमेंट करके नहीं बता पाऊंगा। तो गाइस इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, तो गाइस आपको जो भी वीडियो अपलोड करूंगा पहले पता चलते जाएगा। गाइस आज जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो चेस्ट और प्रोटीन के बारे में ही है। तो चेस्ट का जो हमारा फाइबर नहीं आता है, हमारा चेस्ट का जो ऊपर अपर होता है मसल्स वो नहीं आता, उसके बारे में बात करूंगा गाइस। वर्कआउट में क्या मिस्टेक है और हमारा प्रोटीन लेते समय क्या मिस्टेक है गाइस। ओके तो गाइस पहला मेन पॉइंट है, हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं जो हमको मैसेज किया गया था, तो हम बता देते हैं प्रोटीन के बारे में कैसे हम लोग। आप वर्कआउट इवनिंग में करते हो या मॉर्निंग में करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है गाइस। जो लेना देना है प्रोटीन से, आप कोई मिल्क में लेता है कोई पानी में लेता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। गाइस जो मेन पॉइंट है प्रोटीन लेने का, वो आप फर्स्ट टाइम चालू किए हो प्रोटीन, तो आप 1 वीक ओनली 1 स्कूप प्रोटीन लोगे, वो भी वर्कआउट से पहले 15 मिनट पहले आप प्रोटीन लोगे 1 स्कूप, चाहे वेब हो आपका, चाहे मसल्स हो, चाहे गेनर हो, तीनों में से आपका जो भी प्रोटीन हो आप वो भी एक एक स्कूप ले सकते हो खाली 1 वीक, मतलब एक हफ्ता तक ही ले सकते हो। इसके बाद आपका जब थोड़ी थोड़ी साइज डेवलप होने लगे, प्रोटीन हजम होने लगे, तो आप 1 स्कूप से 1.5 स्कूप कर दो। ओके गाइस इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करने का मतलब आपका प्रोटीन भी वेस्ट जाएगा, आप जो ले रहे हो वो भी वेस्ट जाएगा, आपका पेमेंट भी वेस्ट जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और गाइस अब ये हो गया हमारा वर्कआउट से पहले 1 स्कूप, अब हमको वर्कआउट जस्ट खत्म होने के बाद 1 मिनट के अंदर में हमको वापस प्रोटीन लेना ही कंपलसरी है, चाहे आप मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में वर्कआउट करते हो उसके लिए। तो गाइस अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट जस्ट खत्म होने के बाद 1 मिनट के बाद आपको प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन कैसे लेना है वो 1 स्कूप लेना है, लेकिन आप प्रोटीन लेते हो बस 2 मिनट हिलाने के बाद, शेकर में पानी आप डालते हो, प्रोटीन डालते हो, तो 1 मिनट या 2 मिनट तक खिलाते हो पानी को और प्रोटीन को मिक्सिंग करते हो। गाइस ये रॉन्ग है, आप प्रोटीन जब डालते हो अपने शेकर में या डब्बे में तो आप उसमें पानी 200 ml डालते हो, 300 ml आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सजेस्ट है कि आप 200 ml ही पानी डालें, इससे ज़्यादा ना डालें 1 स्कूप के लिए। अब डालने के बाद उसे कम से कम 5 मिनट से 6 मिनट तक शेकर में, आप पानी में जिसमें प्रोटीन लेते हो आपको जो भी पाउच रहता है या डब्बा रहता है, आप उसमें लेने के बाद उसको 5 से 6 मिनट हिलाओ पानी और प्रोटीन को, दोनों को मिक्सिंग करो। ऐसा मिक्सिंग होने के बाद जब आपके प्रोटीन अगर मिक्सिंग हो जाए पूरा प्रॉपर पानी के अंदर, तो आप समझ जाओ कि हमारा प्रोटीन बेस्ट है और हमको पीने के 5 से 6 मिनट के बाद पियो आप प्रोटीन वही, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा गाइस। मैं बोल रहा हूँ, मैंने दावा किया, मैंने सिर्फ लॉकडाउन खुलने के बाद 3 मंथ में वापस मैंने जैसा बॉडी था वैसा गेन करके, वैसा कटिंग करके रिप में बना चुका हूँ गाइस। तो ये मैं आप लोग को एडवर्टाइज देता हूँ, फ्री में बता रहा हूँ गाइस, कोई चार्जेस नहीं लेता, बस आप लोग से ही करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो गाइस। ये हो गया हमारा प्रोटीन का, 2 स्कूप हो गया हमारा दिन का। ओके एक हमारा हो गया वर्कआउट के पहले, एक वर्कआउट के बाद।
जो भी मिक्सिंग करो 5 मिनट प्रोटीन मिक्सिंग करो। और गाइस अब जब भी डालते हो 2-3 बार में ही हमारा प्रोटीन मिक्सिंग हो जाना चाहिए पानी में, और पानी में हमारा प्रोटीन एक भी ढोका नहीं आना चाहिए। अगर ढोका आया तो आपका प्रोटीन डुप्लीकेट है, आपको कोई फायदा नहीं है, पी के आपका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। गाइस आप जहां से भी लिए हो आप उस शॉप को बोलो कि ये प्रोटीन डुप्लीकेट है। कोई भी प्रोटीन रहेगा 2-3 सेकेंड में वो मिक्सिंग हो जाता है पानी में। ओके गाइस ये हो गया हमारा प्रोटीन 2 स्कूप। अब हमारा आता है सेकेंड। अभी प्रोटीन होता है सेकेंड का मतलब होता है वही फर्स्ट डे पे ही, पहले दिन में ही 2 स्कूप। और इसके बाद अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो आपका वर्कआउट हो गया 2 स्कूप हो गया। ओके अब आपको इवनिंग में 6 बजे 1 स्कूप प्रोटीन और डालना पड़ेगा। ओके गाइस सॉरी गाइस, ये 1 स्कूप आपको 6 बजे इवनिंग में प्रोटीन डालना पड़ेगा, तो आपका जाके परफेक्ट रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा 1 वीक में। गाइस 1 वीक में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पे बताना, फिर मैं आपकी बॉडी देखूंगा कैसी है कैसी नहीं कंडीशन में, और इसके हिसाब से आपको फिर वापस मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे SMS करके बताऊंगा। ओके गाइस गाइस आप बोलते हैं जो इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो इवनिंग में वैसे सेम प्रोटीन लेंगे जैसे ले रहे थे मॉर्निंग वाले। मॉर्निंग वाले जैसे आप इवनिंग का जो मॉर्निंग में 1 स्कूप लेते थे, आप तो मॉर्निंग में ले लेना 1 स्कूप, और अब वर्कआउट जाने के बाद इवनिंग में 1 स्कूप ले लेना, इसके बाद वर्कआउट पोस्ट होने के बाद 1 स्कूप। ओके गाइस सेम कंडीशन। अब गाइस जो फाइबर नहीं आता चेस्ट लोग वो हम बात करते हैं, जो हमको कमेंट में करके बताया गया था इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ गाइस, डबल वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डबल वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे। कमेंट बहुत आया था चेस्ट के बारे में, फाइबर तो कैसे वर्कआउट फाइबर के लिए चेस्ट के लिए करते हैं, जो मैं अभी इस वीडियो में अपलोड किया, इसी वीडियो में अपना एक छोटा सा रिव्यू डाला हूँ, तो आप वहां से चेक कर लो कि कैसे हम लोग वो देख लो कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे चालू हो जाएगा। आप वो देखने के बाद फिर मैं कंटिन्यू वापस आता हूँ आपको बताता हूँ। ओके गाइस आपने देखा ये चेस्ट का कैसे वो वर्कआउट हुआ परफेक्ट। तो गाइस इसी फाइबर के हिसाब से और लेंथ आपके चेस्ट का साइजिंग, और आपका हिप नीचे रहना चाहिए चेस्ट अप रहना चाहिए, जो आपने वीडियो में देखा, नहीं देखा तो वापस जाके पीछे बैक करके आप वापस देखो पोजीशन, इसके बाद उसी के हिसाब से करो। और गाइस कितने लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आपके सामने अगर कोई बॉडी बिल्डर है या आपसे ज्यादा वेट मार रहा है तो आप भी वही गलती करते हो कि आप भी उसी का देख के मारते हो, वो सबसे रॉन्ग है। अगर उसके पास पावर है तो ही मार रहा है, आपके पास पावर है तो मारो। अगर 1 डंबल आप 20 20 कर देते हो तो 1 कम से कम 20 का डंबल 10 से 12 रेपिटेशन जाना ही चाहिए कंपलसरी है, बिना उस सपोर्ट तो ही आप मारो, वरना उससे कम कर दो 17 कर दो या 15 लेके मारो। गाइस इससे आपकी जो बॉडी मसल्स है ना परफेक्ट होंगी, आप क्या करते हो उनका देख ही देखा चालू कर देते हो, तो गाइस ये परफेक्ट रॉन्ग है, मैं बोल रहा हूँ सबसे रॉन्ग है ये। मैंने बॉडी बिल्डर या फिटनेस या मॉडल मैंने हर जिम में जाके देखा है, सब यही गलती करते हो, वो सामने वाला जितना मारता वही देख के आप मारते हो। तो उसकी पावर देखो अपनी पावर देखो गाइस, इसके हिसाब से डिपेंड करो। अगर आप रिपिंग में हो तो वेट कम मारो, अगर गेनिंग में जाते हो तो वेट थोड़ा बढ़ाते जाओ तो आपको मसल बढ़ते जाएगा। गाइस यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, आज कुछ भी टॉपिक नहीं था, जो टॉपिक था मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में अभी तक। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय।